बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। मेडिकल टेस्ट में जांच के बाद हुए इस खुलासे में उन्होंने बताया कि वो 15 मार्च को लंदन से लखनऊ आई थी, लेकिन इस दौरान जब देश में कोरोना वायरस को लेकर इतनी सतर्कता बढ़ती जा रही है तो ऐसे में वो एयरपोर्ट पर कैसे स्टाफ से बच निकली? क्या एयरपोर्ट पर उन्हें किसी ने रोका नहीं या उन्होंने स्टाफ को चकमा दे दिया? एक खास बातचीत में कनिका ने कहा कि जब वे लंदन गई थी उस वक्त भारत में कोरोना वायरस को लेकर इतना हड़कंप नहीं मचा था, कोई खास अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हर जगह इतनी जांच हो रही है और विदेश से लौटने वाले हर व्यक्ति का मेडिकल जांच जरूरी है। कनिका के इस बयान को सुने तो लगता है उन्होंने एयरपोर्ट गाइडलाइंस को गंभीरता से नहीं लिया। फिलहाल उनकी जांच चल रही है और उनसे संपर्क में आने के बाद कुछ अन्य लोगों ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर वह ग्राउंड स्टाफ की मिलीभगत से वॉशरूम में छिपकर निकल भागी थी। कनिका ने संडे को लखनऊ के गैलेंट अपार्टमेंट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें लखनऊ के तमाम बड़े अफसर और कई नेता शामिल हुए थे। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे अपार्टमेंट में हड़कंप है। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।